तो हेलो गेमर्स, आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम लोग पिछली वीडियो में या तो एक किसी फार्म बनाएंगे या तो फिर नेदर में जाएंगे, तो हम लोग ना आज नेदर में जाने वाले हैं नेदर फोर्ट्रेस घूमने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं अभी देख लेता हूँ कि आखिरकार मुझे क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि नेदर अगर जा रहे हैं नेदर फोर्ट्रेस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मैं सबसे पहले अपने लिए ना फूड ले लेता हूँ अच्छा खासा, वरना फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने गोल्डन बूट भी पहन रखे हैं, तो अगर पिगलिन विगलिन आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वैसे तो पिगलिन नहीं आने चाहिए ज़्यादा, वो तो बस रेड बायोम में आते हैं। आई थिंक मैं रेडी हूँ अभी जाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं फटाक से। तो मैं आ गया हूँ नेदर में, और हमारा जो वाई का लेवल है ना गाइस, वाई वो है 14। और काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि वाई पर वाई 14-15 पर हमें मिलता है क्या, नेदरराइट, आई मीन एंशिएंट डेब्रिस। और मुझे यहाँ पे माइनक्राफ्ट में से मतलब जो अचीवमेंट होती है वो भी मिल चुका है। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं कि हमें क्या क्या मतलब आसपास क्या है। वैसे अगर नेदर फोर्ट्रेस फाइंड करना है तो हमें तो ऊपर जाना पड़ेगा, बट देखते हैं अभी ऊपर कैसे जाएंगे। और मैं भी आवाज़ स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से, इसीलिए मैंने आवाज़ भी स्लो कर दिया और एक स्क्रीन शॉट भी ले लिया ताकि अपना नेदर जो है मैं भूलूँ ना, और अगर भूलूँ तो कॉड दे करके मैं आसानी से यहाँ पर आ सकूँ। और पता नहीं हमारे ऊपर साइड को क्या होगा, कहीं लावा ना हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग ना ब्रेक करके देखते हैं क्या क्या ऊपर है क्या। तो ये भाई ने ऊपर ब्रेक किया और देखते हैं यहाँ पे ऊपर क्या निकलता है। ओके, यहाँ पे भी लावा ही निकला। मैंने भी दो तीन जगह ब्रेक करके देख लिया है, जैसे जहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी दिख रहा है स्टोन। तो वहाँ पे मैंने माइन किया था ऊपर जाने के लिए, बट ऊपर लावा है हर एक जगह, मतलब हमारे ऊपर साइड को काफ़ी ज़्यादा लावा है, काफ़ी बड़ा होगा उसका पुल। ठीक है, आई बाप रे, मैं तो जल ही गया भाई साहब। ओके, तो लावा के नीचे लगता है, तो मैं कभी से चाइनीज में बोल रहा हूँ क्या है, मैं कभी से बोल रहा हूँ कि हम लोग लावा के नीचे हैं, लेकिन नहीं। और ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा इसके लिए। आई थिंक देखते हैं कितना ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। और हम लोग ना लेवल 14 पर ही माइन करेंगे, क्या पता हमें नेदरराइट भी मिल जाए। तो हाँ ठीक है, हंस लो, यहाँ पर भी अभी खोद दे तो शायद यहाँ पर भी हमें लावा ही मिलेगा मेरे ख्याल से। ओके, देखते हैं कि अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, वैसे भी मस्त है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी लावा आया है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लावा का लगता है ऐसा, कि काफ़ी बड़ा पूल है लावा का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सुरंग सी बना दी है, और हम लोग काफ़ी दूर तक जाने वाले हैं जब तक हमें लावा नहीं मिलता है, आई मीन जब तक हमें कोई ज़मीन मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं मिलता, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी लावा, इसको मैं फटाक से बंद करके यहाँ पे आगे का भी काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पीछे से खोदो मत प्लीज़, वरना अगर ऊपर से लावा आ गया तो मैं तो मर जाऊँगा भाई, प्लीज़। तो इधर भी बंद कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ बंद करते ताकि मैं आगे जा सकूँ, और उसके बाद यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अंदर लावा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे ऐसा फटाक से बंद कर देता हूँ। अभी कुछ ब्रेक मत करना प्लीज़, ओके भाई, ब्रेक कर दिया भाई ने, प्लीज़। हो गया, मैं गया नहीं, मुझे पता है थोड़े से हार्ट से के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जल गया। प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मैं बेफालतू का अभी जल विल के मर भी जाऊँगा अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी मैं फटाक से आगे देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लावा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे जाके बंद कर देता हूँ। ओके, ये हो गया बंद, जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी लावा नहीं है उस साइड को, एक दो ब्लॉक में ऐसे लावा रहते हैं वही निकलते हैं नेदर में, और बाकी लावा नहीं रहते हैं, और ऊपर साइड को ही पूल में रहते हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे काफ़ी सारा मुझे मिल गया है कॉर्ड, और कॉर्ड से तो जानते ही होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिलती है कॉर्ड से, तो इन्हें मैं बाद में ब्रेक करूँगा, अभी तो मुझे बस रास्ता चाहिए नेदर फोर्ट्रेस तक का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फटाफट आगे चलता हूँ, देखता हूँ हमें रास्ता कहाँ पे मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर भी आ चुका है पूरा का पूरा लावा, हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, और अभी मैं आगे जा ही जा रहा हूँ। इसे ब्रेक करके देखते हैं, यहाँ पर भी भाई बंद करो यार, इसे कोई बंद, ओ भाई गया, मैं गया 100% मैं गया।
हो गया, मैं गया गया मैं गया 100%। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करूँ भाई यार, सामान मेरा बचा के रखियो, मैं आता हूँ एक मिनट के अंदर, ठीक है। मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है यहाँ पे, तो चलता हूँ मैं फटाक से नेदर में वापस से और सामान अपना ले लेता हूँ, ठीक है। बन टू देख की ही एक्सडी, वाह हंस रहे भाई, देख लो। देखो गाइस, हमें ना यहाँ पे एक मिला है नेदर राइट, आई मीन एंशेंट ब्रिज, जो कि हमें ऐसे ही माइन करते करते ही मिला। और ये देखो, ये आयरन की पिकैक्स से ब्रेक कर रहे हैं, मतलब वाह 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 वाह, ठीक है भाई। प्लीज़ डायमंड की पिकेट से इसको तोड़ो, वरना फिर गए ये, फिर ऐसे ही तोड़ दोगे और काम ख़त्म। वैसे टूटने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन देख लेते कितना है। अभी तो यहाँ पे एक ही मिला है हम लोगों को, बट हम लोग तो इसको फाइंड करने नहीं आए थे, ये तो काफ़ी है। हम लोग जहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे थे, अरे भाई बिना धूड़े मिल गया, यही बहुत है हमारे लिए। अगर हम ढूंढेंगे तो कितना मिलेगा, मैं तो सोच रहा हूँ इसी लाइन में हम TNT लगाएंगे, क्योंकि यहीं पे मिल रहा है। सोचो एक हमें मिल गया है, क्या पता आगे हम लोगों को और भी मिल जाए, ठीक है। तो और भी आगे की ओर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को क्या मिलते हैं आगे साइड को, और आशा करता हूँ लावा ना हो, क्योंकि मैं एक बार मर चुका, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। मेरी XP देखो 23 से डायरेक्ट ये कर क्या है, मत करो ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, और प्लीज़ इस बार मत खोदना, वरना फिर लावा आएगा और मैं मर जाऊँगा। चले रखते हैं, और उसके बाद हम एक और नेदरराइट एंशिएंट डेब्रिस हमें मिल चुका है बिना फाइंड किए। दो हैं एक्चुअली, वन नहीं दो हैं, एक नहीं है दो हैं भाई, मैंने आगे देखा ही नहीं खोद के भाई। यहाँ पे दो नेदरराइट हमें ऐसे ही मिल चुके हैं, मुझे नहीं पता कैसे मिल रहा है, बट मिल गया है। वो भी इसलिए वाव की बात तो है ही, क्योंकि हमें बिना धोड़े 3 अब तक के एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं। और देखते हैं अभी आगे हमें, मुझे तो लगता है ये चंक बॉर्डर है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि चंक बॉर्डर पर ही बहुत ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस रहता है। और हम लोग अभी माइन कर रहे हैं 17वें लेवल पर, और 17वें लेवल पर हम लोग को ये सब मिल रहा है। इसका मतलब केव एंड क्लिफ में हम लोगों को 17वें लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिलने वाला है। देखो ना, फिर से एक मिल गया तुरंत के तुरंत, 17 लेवल पर ही मिल रहा है हम लोगों को। अब हम मैंने तो जहाँ तक सुना है कि 13-14 पर मिलता है, अगर 13-14 पर हम लोग TNT मारते हैं तो जाके हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और अभी देखता हूँ हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। मैं सोच रहा हूँ ऊपर साइड के लिए हम लोग डिग करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ऊपर लावा नहीं आना चाहिए। मेरी पिकेक्स हो गई ख़त्म, इतनी देर से माइन कर रहा हूँ, तो अब आप जाइए माइन कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है माइन करने के लिए, बस एक आयरन की पिकेक्स टूटी हुई है, पता नहीं इसका यूज़ कब। ओके, मुझे एक आयरन की पिकेक्स दे दिए, मैं इसे जाकर, आई थिंक ज़्यादा ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अलग सा स्टोन आ रहा है। यहाँ पे मैं गोल्ड वाला बूट पहन लेता हूँ, वरना ऊपर पता नहीं कौन कौन निकल जाए। ओके, तो फटा से मैं चलता हूँ ऊपर, और ओके हम लोग आई थिंक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग आ चुके हैं ऊपर साइड को, और हम लोग यहाँ पे निकले हैं काफ़ी दूर। यहाँ पर है एक छोटा सा लावा, और है काफ़ी सारे स्केलेटन, ये बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद हम लोगों को ज़मीन नसीब हुआ है, वरना फिर हम लोग तो इतने देर से नेदर के अंदर ही घूम रहे थे। और यहाँ पे है स्केलेटन, जिसके निशाने तो है ही नहीं, कहाँ मार रहा है, उधर गया हुआ है, वो देखो यहाँ पे आ रहा है। भाई तुम तो एम्बोटर हो जहाँ तक मुझे पता था, या फिर शायद मेरे सीड से लड़के उधर जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली उधर आ रहा है। बट उसको डैमेज हो रहा है, मुझे मार रहा है तो। ओ, पीछे से बराबरी का हमला भी तो हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था। और वहाँ पे गास्ट भी आ गई, और उसको भी एक दो दे दो, हो गया, गए बच गए, ठीक है। मैं हूँ बड़ा गंजूस इंसान, मैं तुमसे डरता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं डरता हूँ, मैं पहले हड्डियाँ लूँगा, उसके बाद जा रहा हूँ बार बार। ओके, मुझे जाने दो, वरना ये फाड़ देंगे। ओके, मैं यहीं पर हूँ, तो अभी कैसा है ना, मैं आपको ढूंढने के बाद ही मिलता हूँ। क्या ढूंढने के बाद मिलता हूँ, नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के बाद ही मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे मिल चुका है नेदर फोर्ट्रेस, बहुत ही पास में था हमारे, काफ़ी ज़्यादा इजी था ढूंढना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी वीडियो एंड किए सिर्फ मुझे 5 मिनट ही
हुए थे कि 5 मिनट के अंदर ही मुझे ये मिल गए, बस समझ लो इतनी जल्दी मिल गए। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसे हम लोग अगले वीडियो में फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। और हमें तो ज़्यादा ज़रूरी है नेदर वॉल्ट और ब्लेज रॉड, तो हम ये दोनों लेके चले जाएंगे। और हम लोग तो चेस्ट वेस्ट भी ओपन कर ही लेंगे जो यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और आगे साइड को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो पिछले वीडियो में ही हम लोग ना यहाँ पर फुल्ली मतलब विलेज विलेज को मारने वाले हैं, ठीक है। और हो सकेगा तो हम एक्सपी फार्म भी बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।